बाजार योजना को जो प्रचार है करो जा रहे हो। विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। ऊर्जा अमेरिका का कंधा मन गया। ये अपने जो भी किसान है जिन तक ये योजना पहुंची नहीं है ये उनके लिए है। अब यार एक किस्सो बता रहे थे मोदी जी को G20 सम्मेलन को और वो मार्गदर्शन एक बार बताओ तो। क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी केंद्र जो आवाड़े जी की योजना है केंद्र आवाड़े जी को लाभ है वो धरातल पर उतरेगा। मिसे विधायक जी हाँ की पूरी जनता ही विधायक है। कोई वो रथ है जो को जाबा लाग रहे हैं। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसी स्कीम है के 2047 विकसित भारत होना चाहिए। जना देश आप 20-25 साल पहले विकसित बन जाता हूँ। क्योंकि ड्यूटी एक ही मिल रही है कि जनता की सेवा आप क्या कर सकता। पंचायत से लेकर के और संसद तक भेजने वाला मतदाता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने कहा कि आपने क्या करके दिखा दिया कि ये DBT क्या है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आइडियल बन गया भारत दुनिया का। नमस्कार राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में तारो स्वागत है। आज आप सीकर जिला के रशीदपुरा विधानसभा सेक्टर दोध और अठे मोदी जी की जकी योजना चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा जकी योजना चल रही है के रूप में गांव गांव पंचायत में जाचार योजना को जो प्रचार है करो जा रहे हो और आम लोगों तक है जकी योजना की जानकारी है जकी पूछाई जा रही है। और देखो माननीय सांसद जी है विधायक जी है जगह भी अटे पूछा है कलेक्टर साहब है वे भी अटे पूछा है। मोदी जी को एक वाक्य है कि जिसको कोई नहीं पूछता गरीब ने कोई नहीं पूछे लेकिन मोदी बिन पूछे है। इस वाक्य के साथ का मायने गांव गांव डाणी डाणी और हर एक आदमी तक की योजना को लाभ है जो को पहुंचावा को काम आज को सभा को आयोजन है जो को करे जा रहे है। अटेगा हम लोग बातचीत है जी कर कौन कौन सी कमाई की योजना शामिल है और किन किन कई कई लाभ मिल रहे हैं। जैसे हमारी माताएं हमारी बहनें काले धुएं में खांस खांस कर आधी हो जाया करती थी क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। रशीदपुरा के मायने विकसित भारत यात्रा जो मोदी जी को रथ पूछो है दादी जी और रथ पूछ गो के लाभ है जो थी लियो है। मको लाभ में अब का मान्या दा छा सगेड़ा अब का को उधर आप उग जा अमेरिका का कंधा मन जा। मोदी जी है जो बहुत बढ़िया आदमी है अभी बढ़िया अभी बढ़िया बे कह रहा है के 2000 की जगह किस्त वाली राशि आती है जगह अब के 4 जैसी मतलब साल का 6 की दूनी 12 हो रहा है उड़िया ये मौज की मत को कॉमरेड मान तो बके जाओ कांग्रेस कॉमरेड दिया काली धार और बीजेपी कर दिया माला माल। अच्छा और क्या क्या मिल रहा था और आज और मानस क्यों मिल रहा आज घना ही दिया ही है और क्या दिया कर है। अच्छा काम तो कमाया चल सी और आज तो घणो ही माल दिए है मैं तो क्यों कर जानू अब जना मोदी जी वाली योजना राजी हो सजड़ा मत को मत जीऊंगे कहता इधर भी को नाम को नहीं बोलू। अच्छा नाम ही को नहीं बोलो। अच्छा मिल पा की भी इच्छा हुई है के तारीख हुई है पण अब गटिया मिला आओ तो मिल गा मिलगा। दादी जी आगे मोदी जी मिलवा की इच्छा है जी हमारी हो रही है कि मिलो ए पर मिला जायो मरिया पाजी पाच मर जासु नहीं नहीं मिला शाम मैं बात करसु मोदी जी ठीक है। मोदी जी तो को चमन कर दिया मनी अलग है तारी 5-4 साल और बटगी दिखे बटगी है बटगी। अच्छा अब पेंशन ज्यादा आ रही है एक चक्रम तो कोने बटगी नहीं हम ही सो को बटगी आ तो 100 को झटको है सगेड़ो हां मतलब मानूगा तो का प्रतिशत तो का गया बैंक में ले जा पासबुक और काट ले यार काट ले यार भी मैं गेरा हुआ है बा कटिया बा बतावा ना बा ले जा रहा है गेरा बा आश्रम में हां पण बटिया आ कौन सा भुगानी। तो दादी जी का शब्द है जगाते सुने है और हर तरीका में बताइए कहा कि एक इच्छा और है पर मोदी जी वहां जगह मिला दो। राम राम दादी जी। अरे भगवानी जी तो ये बछिड़ देबा लाग रहे हैं थे घूम तो काटर शरमा रहे हो कहीं की हो क्या कह तने आंकन की है बोली तो कोनी आवाज नहीं थारे साइना सा करे शर्म किया या तो आ तो अगले की शर्मा पा के करा तो शर्मा कहना तो लड़े जा तो कोनी रखे है कॉमरेड सदा ही वोट लिया महाराज कुनो और मारो तो क्यों कोनी करियो। अच्छा और हला पलाट को पट्टा कर अब योजना को लाभ मिल रहे हैं कोनी योजना का पेंशन लड़ा तो मिले जा बनो ताला गया मने। अच्छा हां क्यों अब क्यों क्या ब्रो आज आज जो काम करा पा ना आयो वो हो रियो है के अब तो अब आगे कृषि ना बेरो पड़सी तो बापड़ा कॉमरेड क्या तेरा खर्च करा दनु ही करिया बापड़ा पा दादी के कॉमरेड कुनु के खर्च करा भाई गए बात क्या कर रहे आप भांड्या करेगा।
और रसीद पूरा के मायने वो प्रोग्राम हुआ और सरपंच जी आपने सागे है तो पहली तो सरपंच जी आज वो प्रोग्राम हो तो मुड्डो करियो है सागेड़ो मोकड़ो मोकड़ो तगड़ो करियो है बिगले बहुत बहुत बधाई आपने। थैंक यू सो मच सर। अच्छा आज का प्रोग्राम है वो विकसित भारत के वो रथ है जो अटे पूछो है यात्रा को मोदी जी को तो कहीं कहना एक बार ये अपने जो भी किसान है जिन तक ये योजना पहुंची नहीं है ये उनके लिए है कि जो घर पे रह चुके हैं प्रोग्राम तो बहुत सारे करते हैं बट उसमें सारे जो ढाणियों के लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं ये उनके लिए मेनली गांव के लिए जो मेन योजनाएं आती हैं किसानों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या लेडीज के लिए उनके रिगार्डिंग था और बैंक पेंशन की योजना हो गई है जो किसानों के लिए 2,000 रुपये जो बैंक में आते थे उसको 4,000 कर दिया गया जो 6,000 रुपये आते थे उनको डबल कर दिया मतलब 12,000 रुपये कर दिया गया मतलब घटन घटा भी बटुआ कमाई ने जगह रुपया है लुघाया कर घरार डबल होना है बिल्कुल डबल होना है तो मोदी जी की योजना है फिर किसी का रही है किसी की लग रही है हम तो इसके फेवर में पहले भी थे और आगे भी है और हमेशा रहेंगे मोदी जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया और आगे करते रहेंगे इसे 2047 का जो उनका लक्ष्य है इस योजना से इस प्रोग्राम से आज बहुत आगे तक जाएगा विकसित भारत न बनाबा को पूरा सपना है जो साकार होगा 2047 तक श्योरली साकार होगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हमारा संकल्प विकसित भारत मोदी सरकार की जो गारंटी है बिग माइन प्रधानमंत्री उज्ज्वला जी की योजना के अंतर्गत कनेक्शन है गैस को वो दियो जा रहे है तो आपने विधायक जी गोवर्धन जी है जगह अपने बीच में मौजूद है और पहले जी है घूमता है देखो सक सके आज भी यही खड़ा है तो पहली तो थारी के मायने विधानसभा सेक्टर के मायने वो प्रोग्राम जो को मोदी जी को विकसित भारत को रखे गयो है एक लिए कहीं गिनो आप देखो ये है कि बहुत अच्छे वो प्रोग्राम मोदी जी चलाए है वास्तव में क्योंकि पहले आप देखता के राज्य सरकार गाँव में आती लेकिन आज भारत सरकार गाँव में तो इनके लिए तो बहुत धन्यवाद देवा और जी प्रकार को सपनों ले चले है की 2047 विकसित भारत होना चाहिए तो बी के लिए विकसित भारत होना चाहिए लेकिन अपनी जी धरातल पर जी चीजें हैं जिकी लोगों ने बार योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए जे बार बताओ कि मान खाद्य सुरक्षा मिसा मारो नाव ही को नहीं और को नहीं तो वास्तव में जगह लोगों ने मिलना चाहिए बन तो मिलना चाहिए ना जय तो विकसित भारत उसी बिल्कुल तो इस प्रकार की योजना में इस प्रकार को लाभ पहुंचा के लिए लोगों के बीच में आया क्योंकि अतो बड़ो काम और मोदी जी की लगभग 16-17 योजना तो ये की जी बहुत बढ़िया पॉपुलर है बीके अलावा मतलब लगभग 70-75 योजना यह की है जो भी गरीब आदमी है वो वास्तव में गरीब कौन रहा एक मोदी जी बात की गरीब आदमी जखन कोई पूछे नहीं बिन मैं पूजू हूँ इस कथन के ऊपर कहीं कहना नहीं पूजे तो वास्तव में पूजे तो मोदी जी काल जिको आप ऑनलाइन अपन जुड़िया तो आप देखा होगा कई उदाहरण यहाँ का देखा जखा बिल्कुल वास्तव में कोई विडो है कोई अपंग है कोई कमाई नहीं कर सके बा लोगों ने भी योजना को लाभ मिले वह लोग आज मुख्य धारा में शामिल होगा एनजीओ वगैरह बनाया है या जखा अपनी महिलाएं आज ग्रुप बना रही है तो बासु कितो बड़ो लाभ हुई है कितो बड़ो मैं सोचू की कत्ता और ज्यादा बिजनेस कर मोदी जी यही सोच रहे हैं कि गरीब व्यक्ति ने लाभ मिलना चाहिए जो वंचित व्यक्ति है बिन लाभ मिलना चाहिए अबार थे बात की के जितो बड़ो प्रोग्राम शिखर में कोनी हुई हूँ बड़ो ताकड़ा विधानसभा के मायने हुई है तो किया के लाग रहे है जनता के बीच में आज अठे खड़े और मैं तो जीते बाद में पहली बार को नहीं है मैं तो जीतने के बाद में मतलब यही चालू गाँव गाँव ढाड़ी ढाड़ी जा रहा हो जी योजना कोई कैस को के योजना में जिकी सरकार को जो प्रोग्राम में भी पहली बार आई हूँ आ थे कैस को बाकी मैं तो जीतने में हारने में जिते चुनाव लड़ो तो मैं तो यही चाल रहा जी हाजिया का जी चाल रहा मारे कोई क्योंकि मैं तो चुनाव जिके दिन हुई हो तो बीके बाद में चालू होगा और जिके दिन जीतिया तो बीके दूसरे दिन ही वापस चालू होगा क्योंकि ड्यूटी एक ही मिल रही है कि जनता की सेवा आप क्या कर सका तो मेरे ड्यूटी है मैं कोई पर एहसान को नहीं कर रहा इसलिए मैं मेरी ड्यूटी निभा रही हूँ और अभी लोगों कुछ महिलाओं के बारे में सुने हो तो वास्तव में क्योंकि थोड़ा लागे हो गए वास्तव में 5-10 साल होगा कि मैं हमारी योजना में लाभ नहीं जुड़े हैं तो अभी वीडियो साहब ने और आपने जगह डीओ साहब ने कही है आपको नाम जुड़ना चाहिए राजस्थान के मायने डबल इंजन की सरकार आ गई तो 5 साल अब की साबु काम करवा को इरादो है जो लेते बैठे हो देखियो यह है मेरी बात क्योंकि जी प्रकार सु ये राजस्थान को विकास 5 सालों रुकेड़ो हो थे लोग देखा भी होगा सब लोग और आज जी प्रकार सु भजनलाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं और मोदी जी है तो दोनों मिलर एक बहुत तकड़ो विकास के रूप में आप देख सका क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी केंद्रों जो आवाड़े जी की योजना है केंद्रों आवाड़े जो को लाभ है वो धरातल पर उतरेगा मोदी जी अचानक कई बार सरप्राइज है जगह दे दिया करे जी राजस्थान के मायने सरप्राइज दियो मुख्यमंत्री नाम का हिसाब हूँ भी हम बैठे की जनता के मायने राय जानी जना भी कहता मार की कौन बेरो के मार गोवर्धन जी भी है जगह मुख्यमंत्री बन रहा जावे तो भी को भी बेरो को नहीं तो मोदी जी की ये जिकी अलग अलग तरीके नीति है बाकी ऊपर कहीं के बोल देखो मोदी जी जिया की सोच जैठे लोग खत्म कर दे बटू मोदी जी चालू करे तो ये लिए बाकी बराबर तो आप को नहीं उसका लेकिन वह वास्तव में अच्छो सोच रहे हैं और एक अच्छो विजन के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि वह हमेशा जो भी सोचे वो अच्छो सोचे और एक राष्ट्र हित में सोचे
तभी के लिए भी बन धन्यवाद। कहीं के बोचाओ जनता लास्ट में कोई संदेश? जनता तो यही है कि सब लोग जी प्रकार सु आशीर्वाद स्नेह दियो, तो मैं तो आई कह बोचाऊँ की मेरे लायक कोई भी काम होगा तो गोवर्धन हमेशा आपकी सेवा में तैयार। विकसित भारत के लिए वो रथ जो निकालियो है मोदी जी ने, एक ऊपर जनता ने संकल्प यात्रा जी की निकाली है मोदी जी की गारंटी को रथ है वो, तो भी मैंने गारंटी को यही है कि आपा ने जखी योजना को जखो लाभ नहीं मिल रहा है बिन वो लाभ मिलना चाहिए। और भी को युवा लोगों से मैं कहो चाहूँ क्योंकि घुस कह क्यों बहुत सारा आदमी बहुत सारा लोग पढ़ा लिखा को नहीं जहाँ पुराना आदमी, तो भाई युवाओं से आई कहो चाहूँ कि बन योजना को लाभ दिबाबा के लिए युवा तो आगे आवे ही आवे जगह पढ़ा लोग का लोग है और कर्मचारी अधिकारी बन भी है कहो बचाऊ कि भाई विशेषकर थोड़ो एक या मतलब इस तरह काम करे वो काम मेरो है मन ड्यूटी मिली है तो मैं भी ड्यूटी निभाऊ, क्योंकि यदि कोई आप गरीब को बुलाओ करांगा तो भाई लोग भी को गुणगान करेगा कि यार मैं एक अच्छा काम करूं। आज अधिकारी बहुत सारा लोग आया है जे मान लो वो यदि 5 लोगों ने भी अच्छा लाभ दिलागा तो मैं सोचेगा यार कत्तो बढ़िया अधिकारी जो मैंने लाभ दिलायो। तो मैं अधिकारी सू कर्मचारियों सू और अपना जखा युवा लोगों सू आई आग्रह कर पहुंचाऊ कि जखा ने वास्तव में वास्तविक रूप से लाभ मिलना चाहिए बी के लिए अपन बी के लिए प्रयास करना चाहिए बी की मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अपने सगा दोदगा लाडला विधायक गोवर्धन जी, ये चीज ये जो एक संकल्प यात्रा जो माननीय मोदी जी के द्वारा जो कल जिसका शुभारंभ किया गया उन 5 स्टेट्स के अंदर जहाँ पे पहले चुनाव थे, तो आज जो है इसको हम रसीदपुरा के अंदर करवा रहे हैं। अब इसमें कुछ नई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसी स्कीम है जो कि चल तो रही थी पहले से, लेकिन प्रधानमंत्री विकसित गारंटी जखी योजना चल रही है इसके अंदर आज रसीदपुरा के मायने उद्घाटन हो और अपने साथ में अठा सीकर का सांसद सुबेदानंद जी महाराज मौजूद है और बातचीत है जिकी कर और पूरी जानकारी है जिकी ले योजना को लाभ है जनता ने घर घर जार देवा लाग रहा हो कहीं कहना ही बारा के मायने। माने प्रधानमंत्री जी ने एक रथ प्रारंभ किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उनका मिशन है 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, लेकिन वो कब होगा जब गरीब और वंचित आदमी तक उनकी योजनाएं पहुंचेंगी। उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं लेकिन आम आदमी उससे परिचित नहीं है, तो उसकी जानकारी देने के लिए जो लोग छूट गए उसका पंजीकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। और आज रसीदपुरा गांव के अंदर आपने देखा कि हजारों की संख्या में महिला पुरुष इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसका लाभ उठाकर प्रजातंत्र के अंदर जो मतदाता वो भगवान होता है, प्रतिनिधि को चाहे संसद है चाहे विधानसभा है पंचायत से लेकर के और संसद तक भेजने वाला मतदाता है और वो मतदाता गाँव में रहता है शहर में रहता है वही भगवान है क्योंकि बनाने वाला है। तो इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मैं उनको पूछता हूं क्योंकि हमारे लिए वो देवतुल्य हैं, तो उन देवतुल्य लोगों के पास में हम जा रहे हैं। मोदी जी की योजना के मायने जल जीवन मिशन की भी योजना है, गांव गांव घर घर टूंटी लगावा की जगह योजना को लाभ है जो को लोगों ने मिलवा लाग रहे एक ऊपर कहीं क्योंकि एक टाइम हो जब लोग सिर के ऊपर ऊंच ऊंच टोकनी लेर जाता है पानी की समस्या है जगह बहुत ज्यादा दिक्कत आती वागे बहुत बड़ी समस्या थी और मोदी जी ने तय किया कि 2025 तक हम हर घर को स्वच्छ पानी पीने का पानी क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, पानी स्वच्छ होगा तो हमारी बहुत सारी बीमारियां खत्म होंगी। वो स्वच्छ पानी घर में ही टूंटी लगा करके मिल सके उसके लिए उन्होंने एक बृहद योजना जल जीवन मिशन के तहत चलाई है। हमारे यहाँ क्षेत्र में केवल 2 विधानसभाएं ऐसी थी लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर जिनमें स्वच्छ पानी मिलता था, अभी हमारे पास 8,000 करोड़ रुपया और आया है जल जीवन मिशन के अतिरिक्त, हम 2027 तक जिले के प्रत्येक गांव को प्रत्येक घर को मीठा पानी पिलाएंगे ये हमारा संकल्प है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है की साबू राजस्थान आगे जा रहे हो 5 साल के बाद? देखिए जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार बनी है उन प्रदेशों की अलग पहचान है। राजस्थान में एक बिल्कुल ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने जमीन से जुड़ करके काम किया उस कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बना करके मैसेज दे दिया है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा नेता हो या और कोई बात, आम आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है और वो आम आदमी इसलिए बनाया है कि वो आम आदमी की बात सुन सके। तो 2 डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी आम आदमी से बना प्रधानमंत्री है नीचे भी आम आदमी से बना मुख्यमंत्री है, दोनों मिलकर के आम आदमी की गरीब आदमी की बात सुनकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। भारत सरकार गाँव गाँव पहुँच रही है और भारत सरकार के प्रत्येक जिला का एक IAS लेवल का नोडल अधिकारी लगाया गया है, गाँव के अंदर BDO से लेकर के और ग्राम सेवक तक को ड्यूटी दी गई है। और खास बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ अंतर क्या है, कांग्रेस के 10 साल के अंदर केवल 4,000 लोगों को घर मिले और रुपया मिलता था केवल 40,000, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों को घर दिए हैं और रुपया दिया है 1,65,000 से 1,85,000 भी लोग वंचित हैं। इसलिए मोदी जी ने तय किया है कि 2025 तक कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके सर पर छत नहीं हो। अब यार एक किस्सो बता रहे थे मोदी जी को G20 सम्मेलन को और वो मार्गदर्शन एक बार बताओ तो। पैसे का सीधा बैंक के अंदर डालने का एक जो सिस्टम है ट्रांसफर करने का है, मैंने कोई सामान खरीदा और उसके लिए मैं जेब में रुपए लेके जाता था जेब कटती थी और
काम होते थे उसके बजाय डीबीटी का सिस्टम चालू किया है। आज एक सब्जी बेचने वाला, एक पनवाड़ी पान की दुकान वाला, एक चाय वाला, थेड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी डीबीटी के माध्यम से पैसा प्राप्त करता है। आज अमेरिका, जर्मन, फ्रांस जैसे विकसित देश दांतों तले उंगली दबा करके आश्चर्य करते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने कहा कि आपने क्या करके दिखा दिया। पीयूष गोयल जी अमेरिका के एक बड़े अधिकारी को कनॉट प्लेस में लेकर के गए कि चलो आपको दिखाता हूँ, और वहाँ एक पनवाड़ी की दुकान पर जाके काला एक पान दो, तो उसने पान दे दिया, कभी मेरे पास कैश नहीं है कि लो साहब डीबीटी करो। तो उन्होंने आश्चर्य किया कि 140 करोड़ की आबादी के अंदर ये भी हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया मोदी जी से और भारत से सीखना चाहती है कि ये डीबीटी क्या है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आइडियल बन गया भारत दुनिया का। 10 रुपए के खातिर भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जो उसके बैंक में पैसा जाता है, पैसा उसका भी सुरक्षित, देने वाला का भी सुरक्षित है। कहीं संदेश दे पहुंचाओ जनता ने, कहीं के पहुंचाओ। मैं जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा, माने प्रधानमंत्री जी की ये जो गारंटी वाली गाड़ी आई है जिसको विकसित भारत यात्रा का नाम दिया, रथ आया है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप एम्बेसडर बनकर के और मोदी जी की इन योजनाओं का प्रचार करें। उससे क्या होगा कि आम आदमी, गरीब आदमी उसको लाभ मिल सकेगा। केवल मोदी जी, केवल सुमेध आनंद इस काम को नहीं कर सकते। जब तक मेरा एक एक युवा हमारी बहन भाई से नहीं जुड़ेंगे तब तक गरीब का कल्याण संभव नहीं है। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो मोदी सरकार की जखी योजना है तो जान से हटे युवा भी खूब खड़े है की साबु लाभ ले रहा है और की साबु लाभ है जो जनता ने दिलवा लाग रहा है। तो रथ थारा गाँव में आयो है तो कहीं कहना एक ऊपर मोदी जी की बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं की। एक तो माने को प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना है, लोन मिल रहा है, एक तो 2 लाख को लोन मिले हमने, ठीक है। एक है की पेंशन आवे हर साल पहले 6,000 मिलता, पेंशन आवे पेंशन आवे सम्मान निधि योजना अतना दिन मिलता 6,000 रुपया, अब 12,000 होगा। अच्छा 12,000 अब मतलब नहीं किस जारी कुर्बानी, 4,000 रखी हमने। तो ये तो पेंशन है जो की ले ली थे, कहीं कहीं ले रहे और कहीं कहीं धीरा रहे हो लोग अनुभव बताओ। अजीम मालिक ये बीजेपी के राज में बहुत खुश सा गेड़ा है बात है। अच्छा अब तो डबल इंजन की और की सरकार है, बीजेपी अठे भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, बस कोई दिक्कत ही नहीं है बताओ ना। अरे तो विधायक भी बीजेपी, बोलो सु दो आदमी है मारो विधायक, यहाँ बताओ एक लो आदमी जार काम करा लो चाहे जा टापरी उड़ जाओ जार बिन भी जार लाएगी। साफ वालों सिस्टम है जो को नहीं बात ना ना, साफ सु वाला कोई सिस्टम को नहीं, तो ये बिछाईला को नहीं, सीधा मिलो जार और एकदम कड़ियों कड़ी जुड़ेड़ी आराम हो जाओ, विधायक से मिलो, कोई साफ वाली पदवी को नहीं है। जो विकसित भारत को रथ है जो को अठे आयो तो एक ऊपर कहीं कहो है, एक माए कहीं कहो है, एकदम तो गाँव से गाँव, ढाणी से ढाणी, घर से घर, टूटी टूटी मोदी जी एकदम वंचित है न कोई भी सुविधा से, तो वो वंचित को नहीं बिन चक्कर काटना, कोई कलेक्टर का चक्कर काटना, कलेक्टर खुद आपके द्वार पर आ रहे हैं और काम कर जा सीट है जनता को बलो कर सी। मोदी जी है जना ओ अतो बड़ो मिशन चाल रही है, नहीं मैं तो सोचे ही को नहीं हो गई यहाँ को भी अतो बड़ो प्रोग्राम भी हो लोगे कोई। अच्छा ये देखो कोटी वोटी पैर बढ़िया तरीका हूँ तैयार, आज का विधायक जी तो थे ही लाग रहे हो पहली तो बात तो आए मिसे विधायक जी, हाँ दोध की पूरी जनता ही विधायक है, क्यों छोटी साइकिल भी गाड़ी है एक भी पर भी विधायक लिखा लियो, दोध की जनता है आ गोवर्धन जी ने लिए चुने है के भाई पूरी जनता मिलजुल रहे, हर आदमी का फोन उठावे, हर आदमी से बात करें, हर आदमी को काम करें। और जिकी आज विकसित यात्रा जिकी यात्रा निकल रही है आज सु 30-40 साल पहले निकलनी चाहिए जाइए, अगर देश नेहरू के हाथ में नहीं हुर मोहनदास गांधी पटेल ने जगह दिन प्रधानमंत्री बना दे तो जना देश आपनों 20-25 साल पहले विकसित बन जातो, लेकिन ए गांधी खानदान नेहरू खानदान की वजह देश तो पिछड़ेड़ो है, बाका राज में ही देश विकसित उसके अन्यथा बे चोर लुटे रही बे आपको घर भर बम लगेड़ा रहे, देश को कदी कौन सोचो। आज के दिन हर क्षेत्र में पहले सु 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा विकास हो रहे, सड़क ले लो, रेलवे ले लो, बिजली ले लो, मेडिकल कॉलेज ले लो, एयरपोर्ट ले लो, जितना भी क्षेत्र ही हर क्षेत्र में विकास हो रहे, सबसे ज्यादा किसान के लिए सौ ज्यादा मोदी जी गिरे, आज तक जितना प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री के बाद में किसान की सोच वालों पहलो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। एक जमानो हो जब कलेक्टर को नाम ही लोग सुनता, आज घर गाँव के मायने पधार रहे हैं कलेक्टर, घर घर पधार रहे हैं, इसलिए पधार रहे हैं क्या ऊपर मोदी जी डंडो दे रहा के भैया ते जाओ घर जा काम करो आगला का, हर गाँव के माए हर पंचायत में जा हर आदमी की समस्या सुन सी और भी को समाधान कर सी। 13 ट्रेन चलती आज 49 ट्रेन चले 9 साल के मायने, एयरपोर्ट पहली 75 रुपया करता आज 150 एयरपोर्ट ही पूरा विश्व के मायने, गाँव में ही है थोड़ा सो बटे सी भी करवाओ, हाँ बटे भी हवाई अड्डो बना देगा सब जगह, पहली राजस्थान में 10 मेडिकल कॉलेज ही 2014 में, आज 35 मेडिकल कॉलेज ही, तो विकसित भारत की तरफ भारत बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बड़ा कुछ ही दिन के मायने योगी जी का राज में विकसित भारत हो जाएगा। राम जी, राम राम जी, कहीं के पूछो हो कहीं थारे मन में चल रही है, मन में है कि मोदी जी की योजना चलाई है आपकी देश की जनता के लिए और जनता के हक के लिए सारी योजना लागू करी हुई है, एक हमारे चाहे जिला कलेक्टर से लेकर और पूरा मुख्यमंत्री का मायके में लाइन में लाग रहा है जनता के लिए, पूरी आपकी योजना जनता के लिए पहुंचावा के लिए। तो देख सको
वो रथ है जो को जाबा लाग रहे हैं। शायद हम उनका लाभ नहीं ले पाए थे क्योंकि शायद हमें उनकी जानकारी के अंदर या फिर कैसे हमें पाना है उसके अंदर थोड़ी कमी थी। तो मैं उस चीज को उस हिसाब से बहुत सरल भाषा में बताऊंगा आप सभी के लिए कि हम कैसे इसका लाभ पा सकते हैं। सबसे पहली और मैं जरूरी स्कीम जो है वो मैं पहले बताता जाऊंगा। सबसे पहली जो अपनी योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या करना है आपको पता है, गैस का सिलेंडर मिलता है साहब, सारी चीजें हैं, सब बढ़िया है। नए लोग जो हैं वो अभी तक नहीं जुड़ रहे थे, अब से वो जुड़ना चालू हो जाएंगे नए लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर। क्या करना है, गैस एजेंसी वालों ने अपना वहां पे वो लगाया हुआ है स्टॉल, आपको जाना है, आपको जाके वहां पे अपना नाम रजिस्टर कराना है। जो पहले सिलेंडर जो 1100 1150 का था, शायद 500 या 450 के अंदर अपने को जो मिलना है वो आरंभ हो जाएगा। तो जिस परिवार के पास उज्ज्वला योजना में अभी तक जिसने लाभ नहीं लिया हुआ वो अभी रजिस्टर तुरंत प्रभाव से करवा सकता है। ये पहली एक योजना है जो कि बहुत जरूरी थी। किसानों के लिए मैं दो तीन योजनाएं हैं जो कि मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली तो है अपनी नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर के अंदर क्या है कि हम जो है 50 किलो 60 किलो यूरिया अपने उसमें जितना अपना खेत है जितना उसके हिसाब से डालते हैं। तो सबसे पहले तो एक सॉयल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि भाई आपकी मिट्टी को यूरिया की जरूरत है या फिर कौन से पोटेशियम की जरूरत है, ये नाइट्रोजन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, उस हिसाब से उतना डालो। वो लगभग आप सभी का बना हुआ है। अब आगे क्या होने लग गया कि फर्टिलाइजर के लिए इतनी मारामारी होने लगी, कभी लाइनें लंबी लग रही है, कभी और हो रहा है। उस चीज को देखते हुए जो हमारी इफको जो कंपनी है जो फर्टिलाइजर बनाती है उसने क्या किया, उसने बोतल के अंदर छोटा यूरिया बनाया। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि अगर मैं 50 किलो यूरिया तो एक तरफ डाल रहा हूं, एक तरफ मैं वो आधा लीटर की बोतल डाल रहा हूं, वो आधा लीटर की बोतल जो है उस 50 किलो के कट्टे के बराबर है। डालना कैसे है, डालने के लिए भी अलग अलग ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। ये देखिए ये वो बोतल है, ये जो ये बोतल है ये एक कट्टे के बराबर है। अब इसको डालना कैसे है, डालने के लिए ड्रोन के वो के थ्रू इसका जो है छिड़काव करने का एक तरीका निकाला गया है। अब साहब ड्रोन कहां से आएंगे, तो ड्रोन ऐसे आएंगे जो हमारी राजीविका की जो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अपने बनाए गए हैं, आगे जाके हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे और हर गांव के अंदर एक दो ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन करेंगे जो कि जो कहलाएंगी ड्रोन दीदी। अब वो क्या करेंगी, उनके पास में भारत सरकार उनको ड्रोन पकड़ाएगी, उड़ाना सिखाएगी, चलाना सिखाएगी और उसके बाद वो छिड़काव वो कर पाएंगी, तो उनकी भी आजीविका का फायदा हो गया। और ये जो हमारी जो फर्टिलाइजर की जो बारी बारी जो मांग आती है उसके अंदर अपन थोड़ा सा वो डाउन हो जाएंगे। फिलहाल भी अगर हम वैसे भी छिड़काव करना चाहते हैं जो अपने नॉर्मल तरीके से, तो ये फर्टिलाइजर अभी भी अपने पास अवेलेबल है। हम जाके जो जहां से हम कट्टे लेते हैं अपने वहीं से ये वाली चीज भी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों से केवल एक निवेदन है कि आप एक बार इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें और फर्क देखें कि फर्क मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने भी काफी जगह पे इसको ट्राई करवाया था गंगानगर के अंदर, तो वहां पे फर्क आया था। तीसरी जो योजना है वो है हर घर जल वाली योजना। ये सभी आपको पता है कि पहले इसके अंदर 90-10 था कि 10% ग्राम पंचायत को देना रहता था, बाद में वो भी माफ हो गया। अब इसके अंदर मेन जो चीज है वो ये है कि मोटिव क्या है कि हर घर के अंदर जो है एक एक नल लगे। हो सकता है कि कोई ढाणी छूट गई है, कोई और छूट गया है, तो उसके लिए सरपंच के पास जो एक कमेटी बनेगी, उनके पास पावर है कि अगर कोई छूट गया है तो वो अपने पैसे से, या फिर अगर PHED के पास पैसा इन्वॉल्व है तो उससे भी वो जुड़वा सकते हैं। पर जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि हर घर तक जल पहुंचे। आगे जो मैं तीन योजनाएं बता रहा हूं ये मैं बैंक से जुड़ी हुई योजनाएं बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। पहले एक चीज बताओ, अपने को पेंशन के बारे में पता है, जो अपने को बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना। अब एक और प्रकार की पेंशन है जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है रिटायरमेंट के बाद, मिलती है हर महीने खाते के अंदर पेंशन आ जावे। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई और अपना काम धंधा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता। तो इस चीज को देखते हुए लोगों की बचत को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चालू की गई थी, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या करना है, आप किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, चाहे आपका खाता है ना, आप ऐसे प्लान कर सकते हैं 18 साल से लेके 40 साल तक के लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें 20 साल तक आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक में। कितने देने पड़ेंगे आपकी मर्जी है, जितने देने पड़ेंगे वो आपको बता देगा कि हर महीने 70 रुपए काट ले, हर महीने 100 रुपए काट ले, हर महीने 200 रुपए काट ले,
फायदा क्या होगा, 60 साल के बाद जितने आप रुपए कटवाओगे उसके हिसाब से 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना, ऐसे करके 5,000 रुपए महीना तक मैक्सिमम आपको पेंशन मिल सकेगी। ये किनके लिए है? ये उन लोगों के लिए जो कि सरकारी कर्मचारी अगर नहीं भी हैं, अगर उनको वैसी पेंशन नहीं भी मिल पा रही है, वो अपने पर है जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? आजकल अपन जानते हैं कि अपना लाइफ इंश्योरेंस, अपना जीवन का बीमा करवाने के लिए LIC वाले। अब एक और प्रकार की पेंशन है जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है रिटायरमेंट के बाद, मिलती है हर महीने खाते के अंदर पेंशन आ जावे। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई और अपना काम धंधा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता। तो इस चीज को देखते हुए लोगों की बचत को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चालू की गई थी, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या करना है, आप किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, चाहे आपका खाता है ना, आप ऐसे प्लान कर सकते हैं 18 साल से लेके 40 साल तक के लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें 20 साल तक आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक में। कितने देने पड़ेंगे, आपकी मर्जी है, जितने देने पड़ेंगे वो आपको बता देगा कि हर महीने 70 रुपए काट ले, हर महीने 100 रुपए काट ले, हर महीने 200 रुपए काट ले। फायदा क्या होगा, 60 साल के बाद जितने आप रुपए कटवाओगे उसके हिसाब से 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना, ऐसे करके 5,000 रुपए महीना तक मैक्सिमम आपको पेंशन मिल सकेगी। और ये जलको सीकर हर्ज गांव ग्राउंड रिपोर्टिंग है, थारे बीच में हमेशा पहुंचाबो करसी। धन्यवाद, राम राम। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।